इस वक्त न्यूज लाइव राजस्थान पर खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। शहर में दुकानों में हो रही चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। शहर के अलग अलग इलाकों में रोज दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। खातीपुरा इलाके के परिवहन नगर में देर रात को चोरों ने किराने की दुकान के ताले तोड़कर 70,000 रुपए नगद व सामान चुराकर फरार हो गए। दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन बदमाश पुलिस से बचने के लिए सीसीटीवी व डीवीआर मशीन भी साथ ले गए। यादव किराना स्टोर के संचालक कल्याण दत्त ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर व्यापारियों में रोष है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। रात को मेरे 3:30 बजे करीब मेरे को पुलिस को आया एक लड़का और उसने जगाया। वो तो बोले तुम्हारे ये डेयरी तुम्हारी बूथ है क्या? मैं कहा मेरी है। तो बोले तुम्हारी दुकान में आज होगी तो टूट रहे बाहर आके देखो। बोला मैं जैसे ही बाहर आया मेरे बच्चों को जगाया मैंने और बाहर आकर के देखा तो इसका शटर टूटा हुआ था और अंदर जाकर देख रहा तो 70,000 रुपये जो थे मेरे गले में वो साइड वाला गला है बैग उसमें उसमें जो बैग भी गायब और गले के भी पैसे बाइक गायब थे और वो डंडे सिगरेटों के डंडे जो 3-3 हज़ार रुपये का एक डंडा आता है वो 10 डंडे करीब तो वो भी 10 हज़ार दो और वो 20 पूरे उससे वीडियो के गए और रजनीगंधा का जेपर रजनीगंधा यह आते हैं मतलब तो वो 2-2, 4-4 पैकेट पीछे गए। मतलब कैमरे लगे हुए थे क्या? कैमरे लगे हुए थे, वो मशीन भी तोड़ के ले गए। कितने बजे की घटना है? ये 3:15 बजे की बताया मेरे को तो 3:15 बजे उसने जगाया जब पता चला मेरे को तो मतलब ये 2:30 से 3 बजे के करीब 3:15 बजे के बीच की बात है। आपका शुभ नाम? कल्याण दत्त यादव।